पाकिस्तान की बेटियों ने की ये सजा। मैं वहाँ पे कोई फहाश कपड़े नहीं पहन कर गई थी, मैंने आज तक कोई फहाश वीडियो नहीं बनाई, बल्कि कपड़े नहीं पहने। ये नहीं बनता था कि मुझे टोटली नंगा कर दिया जाता। इखलाकी हरकत करते हैं और कुछ वीडियोस जो हमें मौसूल हुई वो हम चला भी नहीं सकते, वो हम अपनी ऑडियंस को दिखा भी नहीं सकते। ये एकदम हमारे ऊपर आया सेल्फीज लेने के लिए। सेल्फीज की हद तक तो ठीक था, लेकिन वो गिरते गिरते दबाव डालते डालते मुझे का मेरे पूरे ग्रुप को जो है वो जंगले के बिल्कुल पास लेके, मीनार का जो जंगला है वो क्लोज था। ऐसे में ये हुआ कि जंगले के बिल्कुल करीब एक गेट था, तो अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कहा कि मैं लड़की को तो अंदर कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग जंगले से बाहर ही रहें। मैं जंगले के अंदर जैसे गई हूँ तो बाहर सारी दुनिया वाम जंगलों के पास ही थी। हमने कहा कि चले यहाँ पे रश भी नहीं है, हम दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। लोगों ने यहाँ पे इतना ज़्यादा घेर लिया था, वो सब लोग जंगले तोड़कर, वो तारे तोड़कर सब अंदर आ गए। और वहाँ गिरते गिरते एक ऐसी प्लेस आई कि जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि वहाँ पे एक पानी का तालाब भी है छोटा सा, एक ऑप्शन था कि बस उसमें से मैं कूद जाऊँ। मेरी टीम भी कह रही थी कि आप उधर सेव हो जाएंगे नीचे, वो काफी कह रहा था, मैं नहीं कूद पाई अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद हमने 15 पे कॉल भी कर दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं टॉर्चर होती रही। 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं टॉर्चर होती रही। लोग मेरे बाल खींच रहे थे, वो कह रहे थे कि उठो ये नाटक कर रही होगी शायद। एक औरत अपने पाकिस्तान में अपनी सिटी में सेव नहीं है तो वो दुनिया के किसी कोने में सेव नहीं है। कि मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गई हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा था, कोई मना नहीं है, मैं अगर यूट्यूबर हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन किसी का हक ये नहीं बनता था कि मुझे टोटली नंगा कर दिया जाता। यार अब मुहर्रम में जब हमारी पाक बीबियों के साथ बेहुरमती हुई, आपने उनको जमीन में समा लिया था, तो अब मुझे क्यों नहीं समा रहे? मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मेरे साथ खेल रहे थे। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था कि पाकिस्तान की बेटियों ने की ये सजा है। मैं वहाँ पे कोई फहाश कपड़े नहीं पहन कर गई थी, मैंने आज तक कोई फहाश वीडियो नहीं बनाई, बल्कि कपड़े नहीं पहने, मैं एक प्रॉपर ड्रेस में थी। मैंने 14 अगस्त के लिए न्यू ड्रेस सिलवाया था, मेरे देखने से पहले सब कुछ मेरा उतार लिया गया।